वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। तो सितंबर के टॉप 60 एमसीक्यूज फ्रॉम द एह करंट अफेयर्स का ये दूसरा पार्ट है। इसका यह फर्स्ट पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको नवंबर के वीकली एह करंट अफेयर्स एंड अक्टूबर के मंथली एह करंट अफेयर्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे। जनरल साइंस की वीडियो, एप्टीट्यूड की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो एंड मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सभी मटीरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप उन्हें एक बार ज़रूर देखें। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास यह क्वेश्चन, द इंडो यूएस मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2018, इंडिया एंड यूएस में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है युद्ध अभ्यास 2018, वो कहाँ पर हुई थी, किस स्टेट में हुई थी, दैट इज़ उत्तराखंड में हुई थी। दैट इज़ बी इज़ द राइट आंसर, उत्तराखंड। नेक्स्ट वन इज, किस सरकार ने, विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्कीम फॉर द डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ द एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज। एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज को घर घर जाकर देने की स्कीम किस गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, दैट इज़ द दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली में ये स्कीम्स स्टार्ट की गई है सितंबर में। नेक्स्ट वन इज, एक सैन्य अभ्यास हो रहा है नोमैडिक एलिफेंट 2018, नोमैडिक एलिफेंट 2018, वो इंडिया के साथ, किस कंट्री के साथ इंडिया का हो रहा है नोमैडिक एलिफेंट 2018, इज़ बिटवीन इंडिया एंड मंगोलिया। मंगोलिया के साथ हो रहा है नोमैडिक एलिफेंट 2018 एंड आर्मी एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज, भारतीय वायुसेना जो है इंडियन एयरफोर्स हैज़ सक्सेसफुली कैरीड आउट द फर्स्ट एवर मिड एयर रीफ्यूलिंग ऑफ द इंडिजिनसली बिल्ड विच एयरक्राफ्ट। किस एयरक्राफ्ट को, जो कि भारत में ही बना हुआ है, इंडियन एयरफोर्स ने मिड एयर में रीफ्यूल किया है, मतलब जहाज को उड़ते समय ही उसमें फ्यूल भरा गया है, किस जहाज के साथ ऐसा पहली बार किया गया है, दैट इज़ द तेजस। यह तेजस के साथ ये रीफ्यूलिंग की गई है इन द मिड एयर। नेक्स्ट वन इज, यात्रियों के लिए इंडिया एयरपोर्ट में ऐसा कौन सा फर्स्ट एयरपोर्ट है इंडिया का जिसमें के फेस रेकोगनाइजेशन को एज ए बोर्डिंग पास यूज़ किया गया है। फेस रेकोगनाइजेशन को एज ए बोर्डिंग पास किस एयरपोर्ट पर, इंडियन एयरपोर्ट पर किया गया है, जो कि यह फर्स्ट इन एशिया है, दैट इज़ द कैंप गोवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन बेंगलुरु। बेंगलुरु के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसा पहली बार हुआ है कि फेस रेकोगनाइजेशन को बोर्डिंग पास की जगह पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट वन इज, विच सिटी इज़ होस्ट टू द फर्स्ट एवर बिम्स्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज। बिम्स्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज मिलेक्स 18, इनमें से कहाँ पर हुई है, दैट इज़ द बी इज़ द राइट ऑप्शन, दैट इज़ ए पूना में ये एक्सरसाइज हुई है। तो आपको इसके साथ याद रखना है कि बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसमें कि बे ऑफ बंगाल के आसपास के देश हैं, जैसे कि इंडिया है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, भूटान है एंड नेपाल है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं। नेक्स्ट वन इज, विच बॉलीवुड पर्सनैलिटी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द मेरियल स्ट्रीप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। मेरियल स्ट्रीप अवार्ड फॉर एक्सीलेंस, इनमें से किस बॉलीवुड पर्सनैलिटी को दिया गया है, दैट इज़ ऐश्वर्या राय बच्चन को ये अवार्ड दिया गया है, जो कि हॉलीवुड एंड बॉलीवुड में एक बहुत ही अच्छी फीमेल एक्ट्रेस हैं, इसलिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट वन इज, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय, इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। ये कहाँ पर है NRTI, दैट इज़ वडोदरा में, वडोदरा गुजरात में ये है फर्स्ट इंडियन रेलवे यूनिवर्सिटी इन वडोदरा, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट वन इज, सागरमाथा फ्रेंडशिप 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज, सागरमाथा फ्रेंडशिप 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज, इनमें से किस दो देशों के बीच हो रही है, दैट इज़ नेपाल एंड चाइना, बिकॉज सागरमाथा जो है वो नेपाल का एक इलाका है, वहाँ पर
और यह चाइना की बाउंड्री के पास है, और इसलिए नेपाल एंड चाइना में सागरमाथा फ्रेंडशिप मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है नेपाल एंड चाइना के बीच में। तो जब ये एक्सरसाइज हुई है तो नेपाल ने बिम्स्टेक की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी उसमें हिस्सा लेने से इनकार यह कर दिया है, और वो वहाँ पर सागरमाथा फ्रेंडशिप मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। नेक्स्ट वन इज विच इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बिकम द फर्स्ट बॉलर इन वुमेन्स यह क्रिकेट, वुमेन्स की यह क्रिकेट में ऐसी कौन सी भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि फर्स्ट बॉलर बनी है टू पिक 300 इंटरनेशनल विकेट्स, 300 इंटरनेशनल विकेट्स लेने वाली केहली यह पहली महिला यह क्रिकेटर कौन है, दैट इज़ द जूलन गोस्वामी। जूलन गोस्वामी इज़ द राइट आंसर, तो ये आपको याद रखना है आंसर। नेक्स्ट वन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द ट्वाइस बोर्न लाइफ एंड डेथ ऑन द गंगास, दैट इज़ यह आतिश है तस्वीर। ये बुक इंडिया के फ्यूचर के बारे में है, और आज के इंडिया और यह फ्यूचर के इंडिया के बारे में इसमें बात की गई है। बहुत ही अच्छी बुक है, आतिश यह तस्वीर ने इसको राइट किया है, द ट्वाइस बोर्न लाइफ एंड डेथ ऑन द गंगा। नेक्स्ट वन इज इंडिया फर्स्ट ट्राइबल सर्किट टूरिज्म प्रोजेक्ट हैज़ लॉन्च्ड इन विच स्टेट, ये प्रोजेक्ट किस स्टेट में लॉन्च किया गया है, यह पहला जनजातीय सर्किट टूरिज्म यह प्रोजेक्ट दैट इज़ लॉन्च्ड इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में ये लॉन्च किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये नागालैंड एंड यह तेलंगाना में भी लॉन्च किया गया है, ये अंडर द स्वदेश दर्शन स्कीम के अंडर इन्हें लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन इज विच कंट्रीज होस्ट टू द 2018 G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग, G20 2018 की मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ पर हुई है, दैट इज़ अर्जेंटीना में ये मीटिंग हो रही है G20 की। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीय हिंदी दिवस, द नेशनल हिंदी दिवस इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, नेशनल हिंदी दिवस को हर साल यह कब मनाया जाता है, दैट इज़ ए 14 सितंबर को, 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ हु अपॉइंटेड एज द 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ द रंजन गोगोई, इससे यह पहले थे दीपक मिश्रा, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज द एग्रीकल्चर फेस्टिवल ऑफ न्यूखाई, न्यूखाई नाम का यह एग्रीकल्चर फेस्टिवल यह कहाँ पर यह हुआ है, यह किस स्टेट में होता है, दैट इज यह ओडिशा में ये फेस्टिवल होता है, यह ओडिशा में ये फेस्टिवल होता है न्यूखाई नाम का। तो वहाँ पर जब न्यू यह फसल आती है तो ये फेस्टिवल मनाया जाता है, गणेश यह चतुर्थी के पास ये वहाँ पर फेस्टिवल मनाया जाता है न्यूखाई का। नेक्स्ट वन इज भारत में यह किस शहर में अपना पहले टूरिज्म मार्ट ओपन किया है, द फर्स्ट एवर ग्लोबल टूरिज्म मार्ट इन विच सिटी, दैट इज़ दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये ओपन किया गया है, फर्स्ट एवर ग्लोबल टूरिज्म मार्ट न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट वन इज What is the India's rank in the latest UN's Human Development Index? Human Development Index में इंडिया का रैंक क्या है? That is 130 रैंक है among the 189 कंट्रीज में से 130 रैंक है, जो कि बहुत ही एक ख़राब रैंकिंग हम इसे कह सकते हैं Human Development Index में 130 among 189 कंट्रीज। Next one is National Engineers Day is celebrated in India on which date? That is 15th September. 15th September को मनाया जाता है National Engineers Day in India. National Engineers Day on 15th September को ये मनाया जाता है। इसके बाद है Which of the following is the highest volcanic peak of Asia?
एशिया की सबसे हाईएस्ट वोल्केनिक पीक कौन सी है जो कि रिसेंटली इंडियन माउंटेनियर्स ने क्लाइंब की है? सो दैट इज माउंट दामावंत। माउंट दामावंत जो कि ईरान में है, दैट इज़ द हाईएस्ट वोल्केनिक पीक इन एशिया। इसके अलावा माउंट फूजी है जो कि जापान में है। तो सबसे जो यह ऊंची है वोल्केनिक पीक, दैट इज़ द माउंट दामावंत, दैट इज़ जो कि यह ईरान में है। तो ये थे इसके 20 यह क्वेश्चंस फ्रॉम द यह करंट अफेयर्स ऑफ द सितंबर। तो ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो पाए। थैंक यू।